गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देखना चालू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन विद्या पॉइंट। आज तारीख है 3 फरवरी 2020 और आज से जितने भी कंटेंट के प्रश्न बन सकते हैं आप इस वीडियो में देखिएगा और आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ब्लॉग दोनों से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिएगा तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो ये कल का प्रश्न है, विच सिटी हैज द वर्ल्ड वर्स्ट ट्रैफिक, यानी कि दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक किस शहर का है। तो ये दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंगलोर शहर का। और इस इंडेक्स को जारी करता है टोम ट्रैफिक, ठीक है। और दुनिया के टॉप 10 खराब ट्रैफिक वाले शहरों में से भारत के 4 शहर हैं। तो ये देखिए, पहला आपने देख लिया कि बेंगलोर, 4 नंबर पे है मुंबई, 5 नंबर पे पुणे तथा 8 नंबर पे हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली। तो चलिए चालू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, हु वोन द वुमन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 टाइटल, यानी कि महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोफिया केनिन। और सोफिया केनिन अमेरिका की खिलाड़ी हैं और इन्होंने हराया है स्पेन की गर्बाइन मुगुरुजा को 4-6, 6-2 तथा 6-2 से इन्होंने इनको हराया है। और ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की 2 नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। और इनकी उम्र है अभी 21 साल। और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जो बनी थी 2008 में वो थी रूस की मारिया शारापोवा। अब हम देख लेते हैं इनके ग्रैंड स्लैम के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है ये हर साल जनवरी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। फ्रेंच ओपन मई जून में इसका आयोजन किया जाता है। विंबलडन का आयोजन जून जुलाई में तथा यूएस ओपन का अगस्त और सितंबर में इसका आयोजन किया जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट में इसको खेले जाते हैं, ठीक है। यानी कि इस पे जो आप देख रहे हो कि घर में जो प्लास्टर कर देते हैं उस पे खेले जाते हैं। जो फ्रेंच ओपन है इसका आयोजन किया जाता है क्ले कोर्ट, और क्ले कोर्ट का मतलब होता है कि इस पे मिट्टी होती है। और विंबलडन, और ये दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, और ये हो जाता है ग्रास कोर्ट पे, यानी कि इसके फील्ड में घास होती है, ठीक है। और इसका आयोजन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया, उसकी राजधानी है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम के नरेश हैं एलिजाबेथ द्वितीय तथा वहाँ पे करेंसी यानी कि मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो हम देखते हैं आज का दूसरा, और दूसरा प्रश्न है, हु वाज अपॉइंटमेंट द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजीत कुमार, और इनकी नियुक्ति की गई थी 30 जनवरी को, ठीक है। जब इनको नियुक्त किया गया तो इनको पदभार दिया गया। तो इनका पदभार है जीएसटी, और जो कस्टम ड्यूटी होती है उसमें इसको आगे बढ़ाने का इनको काम दिया गया, ठीक है। अब हम अगला, और अगला 3 नंबर का प्रश्न, द फेमस काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट्स इन विच सिटी, यानी कि मशहूर काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई शहर में। अब देखिए, जो इसका आयोजन किया गया ये इसका 21वां संस्करण है, और ये 9 दिनों का त्यौहार है। और इस त्यौहार में जो भी लोग चाहते हैं कि हम अपनी कला दिखाएं दूसरों के पास, तो आप दिखा सकते हो संगीत के रूप में, रंगमंच के रूप में, स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखिए, जो गोवा है, गोवा में इस साल का यानी कि 2020 का राष्ट्रीय खेल आयोजन किया जाएगा। और जो लखनऊ है ये विश्व का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो इसमें आयोजन किया जाएगा, और इस डिफेंस एक्सपो में 1000 से अधिक कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है अभी तक, ठीक है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई इसकी ग्रीष्मकालीन की राजधानी है, गर्मियों की राजधानी है। नागपुर सर्दियों की राजधानी है, और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर रहने की राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, तथा इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं विधान परिषद की 78 और विधानसभा की 288 सीटें। अगला, और अगला 4 नंबर का प्रश्न, हु वोन द क्रिकेट T20 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड 5-0, यानी कि विश्व में पहली बार क्रिकेट T20 में किसने 5-0 से सीरीज जीती है। तो ये जीती है अपने प्यारे देश ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत ने, और इसको हराया है न्यूजीलैंड ने। तो देखिए, जो भारत है
किसी भी सीरीज में, यानी कि सीरीज पांच मैचों की थी और इसमें पांचों के पांचों भारत ने जीत लिया, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। यानी कि किसी भी देश के साथ जो मैच होता था या तो टाई हो जाते थे या तो एक एक आध मैच हार जाते थे, लेकिन ऐसा पहला कभी नहीं हुआ जब टी ट्वेंटी में किसी ने सारे के सारे मैच जीत लिए हों। तो ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका आयोजन करती है आईसीसी। तो आईसीसी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका पहले नाम हुआ करता था 1965 ईस्वी तक इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, तथा 1965 से 1989 तक इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 ईस्वी को, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है शशांक मनोहर, तथा प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं मनु साहनी, और शशांक मनोहर और मनु साहनी दोनों के दोनों भारत के रहने वाले हैं। ओके, अब अगला और अगला पांच नंबर का प्रश्न, हु अगेन बिकम ए मेंबर कंट्री ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि दुबई राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्य देश कौन बन गया है। तो ये सदस्य देश बन गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालदीव देश। और देखिए जो राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव है पेट्रेसिया स्कॉटलैंड, उन्होंने मालदीव को 54वें देश के रूप में शामिल करवाया। ठीक है, जो मालदीव है पहली बार 1982 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, और 2016 ईस्वी में इसने राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्यता छोड़ दी थी। जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे, प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन, उनको भ्रष्टाचार लिप्त पाया गया था, इस कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इनको राष्ट्रमंडल खेलों से निकाल दिया गया था। अब हम देखते हैं अगला और अगला छह नंबर का प्रश्न, हु वोन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ऑप्शन नंबर, यानी कि रोमी का सैलून। जो रोमी का सैलून है एक डच फिल्म है दोस्तों, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये किया जा रहा है बांग्लादेश में, और इसका आयोजन किया जा गया था 24 जनवरी से, ठीक है। और इस आयोजन में 39 देशों के 189 फिल्में इसमें शामिल की गई, और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 13वां संस्करण था, ठीक है। और इसमें अलग अलग तरह के 11 प्रकार के पुरस्कार दिए गए, और इसमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखते हैं। जो गुड गर्ल है इसको पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, डे एक्स इसको पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का, तथा द दस मोकर है ये बांग्लादेश की फिल्म है, और इसको अवार्ड दिया गया यंग टैलेंट अवार्ड। ओके, और इसका आयोजन किया गया बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का चले जाते हैं। तो उसकी प्रेजेंट टाइम की राजधानी है ढाका, और प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम की प्रेजेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, तथा वहां पे मुद्रा नी करेंसी चलती है टका। ओके, अब अगला और अगला सात नंबर का प्रश्न, हु हैज सेड दैट इज मेकिंग लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि किसने कहा है कि वह कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान बना रहा है। तो ये कहा है हमारे देश की एजेंसी ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसरो ने, और इसरो ने ऐसा कहा कि वो बनाएगा 30 से लेकर 35 करोड़ रुपए तक में लागत आएगी उपग्रह प्रक्षेपण यान में, जिसका वजन होगा 500 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए ऐसा कहा इसरो ने, तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। तो इसरो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो ने अपना लोगो अडॉप्ट किया था यानी कि अपनाया था 2002 ईस्वी में, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1989 ईस्वी को, और इसका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसके प्रेजेंट टाइम के प्राइमरी स्पेस पोर्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम थुम्बा केरल में, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और इसरो के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है के शिवन। ओके, अगला और अगला आठ नंबर का प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्चिंग ए न्यू प्रोजेक्ट टू यूज प्लास्टिक इन रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सड़क निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए एक नई परियोजना शुरू कर रहा है। तो नई परियोजना शुरू कर रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये जो परियोजना चालू कर रहा है ये चालू कर रहा है भारत के राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय के साथ, और जितने भी राज्य है उनके साथ व्यक्तिगत रूप से ये काम करेगा। और भारत में हर साल लगभग 14 मिलियन टन प्लास्टिक निकल जाता है, और उस प्लास्टिक को ये लेकर हाईवे यानी कि रोड बनाने का काम करेगा, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे और अगला
नौ नंबर का प्रश्न, सेंट्रल रेलवे फर्स्ट एसी लोकल ट्रेन टू बी फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच सिटी, यानी कि मध्य रेलवे की पहली एसी उपनगरीय ट्रेन किस शहर से रवाना की जानी है। तो ये रवाना की जानी है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में, और मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उसके प्लेटफॉर्म नंबर 18 से इसको रवाना की जाएगी। और ये मध्य रेलवे द्वारा पहली घरेलू रूप से चलाई जाने वाली पहली लोकल एसी ट्रेन है। ओके, अब हम अगला, और अगला हमारा लास्ट प्रश्न होगा आज इस वीडियो का, हु हैज अपॉइंटमेंट एज एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक, यानी कि कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलवी प्रभाकर, और ये अपने पदभार संभालेंगे 1 फरवरी 2020 से, और ये सेवानिवृत्ति होंगे 31 दिसंबर 2022 को ये सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। ठीक है, और केनरा बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए एलवी प्रभाशंकर। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न, और गोवा 2020 राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है। ठीक है, और इस प्रश्न के बारे में आपको जितना ही मालूम होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।